everyone, welcome to our channel. In this channel, you'll get detailed information about more than 3,000 courses, career options, and lot more information. Thus, to attain all this information, all you have to do is subscribe our channel and do not forget to press the bell icon. आप में से बहुत लोगों को हवा में उड़ने का बहुत शौक होगा और शायद से कुछ लोगों को एयर होस्टेस बनने का, क्योंकि वो जॉब शुरुआत से ही सबको भा जाती है। तो आज हम आपको एयर होस्टेस के बारे में सब कुछ बताने वाले हैं और ये आप कैसे बन सकते हैं। सबसे पहले, जब आप एक नए नए एयर होस्टेस होते हैं तब आपको सैलरी मिलती है 2 से 3 लाख की, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस बहुत कम हो जाता है। जब आपके पास एक मीडियम लेवल का एक्सपीरियंस आ जाता है तब आपकी सैलरी होती है 7 से 8 लाख की, और जब आपके पास काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस आ जाता है तब आप सीनियर हो जाते हैं तब आपको 10 से 12 लाख की सैलरी मिलती है। इसमें एकेडमिक प्रेशर काफ़ी कम है लेकिन जॉब प्रेशर काफ़ी हाई है। इसके लिए एलिजिबल होने के लिए आपको साइंसेस, बैंकिंग एंड फाइनेंस, लैंग्वेजेस, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज में से कुछ चूज करना होगा। इसकी मिनिमम एज है 18 साल और इसके लिए डिग्री हो सकती है बीएससी प्लस एमएससी, डिप्लोमा, एमकॉम, बीएससी एमएससी, एमएबीए प्लस एमए, बीएससी एविएशन, एमएससी एविएशन, पीजी डिप्लोमा, बीएचएमसीटी, बीकॉम प्लस एमकॉम, बीकॉम, बीएचएमसीटीटी, बीए, एडवांस पीजी एंड डिप्लोमा। एयर होस्टेस को करियर के रूप में चुनना बहुत मुश्किलों के साथ आता है, पर इस करियर के आने के फायदे भी हैं। एक एयर होस्टेस यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और इसके लिए इस करियर में सैलरी भी बहुत ज़्यादा होती है। अगर आपको लोगों से घुलना मिलना और बातचीत करना पसंद है तो ये करियर आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि इस काम से आपको लगभग पूरा दिन लोगों के बीच ही रहना पड़ता है और आपको लिटरली घूमने के लिए पैसे दिए जाते हैं। एयर होस्टेस को फ्लाइट अटेंडेंट, कैबिन क्रू, स्टीवर्ड और केबिन अटेंडेंट के नाम से भी जाना जाता है। एयर होस्टेस के करियर को आगे बढ़ाने के लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी हैं, जैसे कि 10+2 या सारे परीक्षा में पास होना चाहिए और उसके रिलेटेड सब्जेक्ट्स में degree/diploma की सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। साथ ही एयर होस्टेस या स्टीवर्ड बनने की इच्छा रखने वाले लोगों के पास एक आकर्षक पर्सनैलिटी और ड्रेसिंग सेंस की पहचान भी होनी चाहिए। 9 से 6 कॉर्पोरेट लाइफ पसंद करने वाले लोगों को थोड़ी दिक्कत आ सकती है इस करियर में, क्योंकि इस करियर में आपको काफ़ी ज़्यादा समय देना पड़ता है। एयर होस्टेस का काम आपको आसान लगता होगा पर यह जॉब काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भरी है, जैसे कि आने वाले पैसेंजर्स को ग्रीट करके उन्हें कंफर्टेबली रखना पूरे फ्लाइट के दौरान, सारे पैसेंजर्स को सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस के बारे में बताना, पैसेंजर्स की दिक्कतों को सुलझाना, खाना इत्यादि सर्व करना, इमरजेंसी मेडिकल असिस्टेंस देना, पायलट से आने वाली कोई भी मैसेज को पैसेंजरों तक पहुंचाना। एक एयर होस्टेस का काम सिर्फ फ्लाइट के दौरान ही नहीं बल्कि ज़मीन पर भी होता है। इमरजेंसी और मेडिकल इक्विपमेंट्स का निरीक्षण करना, एयरक्राफ्ट के टॉयलेट, बाथरूम और सीट्स क्लीन या नहीं, मील्स एंड बेवरेजेस की अगर सुविधा है तो इस बात का ध्यान रखना कि खाना किस पर और कब पहुंचाना है एंड इसमें कोई कमी तो नहीं है। बोर्डिंग के समय पैसेंजर्स के टिकट चेक करके उन्हें सही सीट तक गाइड करना, सीट बेल्ट के ऑर्डर के बाद के ध्यान रखना कि सारे पैसेंजर्स ने अपनी सीट बेल्ट लगा ली है या फिर नहीं। इन फ्लाइट उन लोगों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। खाना और पानी पैसेंजर्स को सर्व करना, हैंड बैग्स या परफ्यूम्स को सेल करना भी इनकी जिम्मेदारी होती है। पायलट को पैसेंजर्स तक कुछ पहुंचाना है तो एयर होस्टेस करती हैं वो काम। इमरजेंसी के समय पैसेंजर्स को फ्लाइट से वैकेट करना भी इन्हीं का काम होता है। लैंडिंग के बाद इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये होती हैं, ड्यूटी फ्री गुड्स की स्टिक का ध्यान रखना, लॉस्ट एंड फाउंड आइटम्स की लिस्ट मेंटेन करना, कैश और फ्लाइट में रखा गया स्टॉक के बारे में जानकारी रखना। प्रेशर के अंदर में भी आपको काम और पर्सनैलिटी में रहना होगा, एक टीम प्लेयर होना चाहिए, डिफिकल्ट सिचुएशंस में सॉल्यूशन निकाल पाना भी होना चाहिए, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, फ्लाइट डिलेज या कैंसिल में कूल मेंटेन करना चाहिए, लंबे घंटों के लिए काम करना आना चाहिए, इमरजेंसी में फास्ट एक्शन ले पाना ऐसी स्किल भी होनी चाहिए, अच्छी हेल्थ और स्टेमिना रखना, एक लैंग्वेज से ज्यादा आने में फायदेमंद है। तो आप भी सोच रहे हैं कि क्या एयर होस्टेस कैसे बना जाए? मिनिमम 10+2 की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, एविएशन या होटल मैनेजमेंट में डिग्री या डिप्लोमा करना, डिग्री या डिप्लोमा के बाद वैकेंसीज देखकर अप्लाई करना स्टार्ट कर दें, प्रिलिमिनरी इंटरव्यू और फिजिकल टेस्ट पास करते ही रिटन टेस्ट से पहले, ये दोनों पास होने के बाद आपकी रिटन टेस्ट होती है। हाई ग्रेड लाने वाले कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है जिसके बाद एक ग्रुप डिस्कशन भी होता है। ये राउंड पास करने के बाद आपको एयरलाइन से ट्रेनिंग दी जाती है जिसके बाद आप एयर होस्टेस बन सकते हैं। कुछ कोर्सेज जो एयर होस्टेस बनने में मदद करेंगे, BBA एविएशन, MBA एविएशन, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एविएशन, हॉस्पिटैलिटी, ट्रैवल एंड कस्टमर सर्विस, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एयरपोर्ट ग्राउंड सर्विसेज, पोस्ट ग्रेजुएट इन एविएशन एंड हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज, डिप्लोमा इन एविएशन एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन प्रोफेशनल ग्राउंड स्टाफ सर्विसेज, डिप्लोमा इन एविएशन हॉस्पिटैलिटी एंड ट्रैवल मैनेजमेंट। इसकी एलिजिबिलिटी, जैसे कि मैंने आपको बताया, एयरलाइंस 18 से लेकर 35 साल तक रिक्रूट करती हैं। हाइट 5 फीट से 2 इंच के आसपास और प्रोपोर्शनेट वेट। मैरिटल स्टेटस अनमैरिड प्रेफर किया जाता है। आईसाइट नॉर्मल आईसाइट ऑफ 6x6 अनकरेक्टेड इन बोथ आईज। लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश जरूर आनी चाहिए एंड अगर फॉरेन लैंग्वेज है तो ये बेटर है। कॉम्प्लेक्शन क्लियर होना चाहिए लेकिन ये एक रिक्वायरमेंट नहीं है।
आपका भी क्या मन कर रहा है कि मैं भी एक एयर होस्टेस बन जाऊं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड हाँ, क्या आपको भी उड़ना पसंद है, हमें ये भी बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब एंड हमारे अकाउंट को फॉलो जरूर करिए।